सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी सी ने सोमवार को कहा कि भारत का खाद्य तेल का आयात फरवरी में 23% बढ़कर 983,608 टन हो गया, जिसका मुख्य कारण रिफाइंड पाम तेल के शिपमेंट में तेज वृद्धि है। पिछले साल की समान अवधि में खाद्य तेलों का आयात 796,568 टन रहा था। सी के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 में खाद्य और अखाद्य तेलों का कुल आयात 838,607 टन हुआ था, जो कि इस बार बढ़कर 1,019,997 टन हो गया। वनस्पति तेलों के कुल आयात में से खाद्य तेलों का आयात पिछले साल के फरवरी 2021 के 796,568 टन से बढ़कर फरवरी 2022 में बढ़कर 983,608 टन हो गया। रिफाइंड पाम तेल का आयात 6,000 टन से बढ़कर 302,928 टन हुआ है। अखाद्य तेल का आयात पिछले महीने घटकर 36,389 टन रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 42,039 टन था। तेल वर्ष 2021-22 के पहले चार महीनों के दौरान, जो नवंबर अक्टूबर से चलता है, में वनस्पति तेलों का कुल आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 43,94,760 टन की तुलना में 7% बढ़कर 46,91,158 टन हो गया। सी ने कहा है कि आरबीडी पामोलिन का आयात 21,601 टन से बढ़कर 519,450 टन हो गया। इसके विपरीत सीपीओ का आयात 24,89,105 टन से घटकर 15,62,639 टन रह गया। भारत आमतौर पर प्रति महीने लगभग 1,75,000 से 2,00,000 टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है। एसोसिएशन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने सूरजमुखी तेल की आपूर्ति को बाधित किया है। फरवरी 2022 में लगभग 1,52,000 टन सूरजमुखी तेल भारत में आ चुका है और मार्च 2022 में समान मात्रा में और आने की संभावना है। सी ने कहा है कि यदि युद्ध जारी रहता है तो बाद के महीनों में सूरजमुखी के तेल के शिपमेंट में कमी आ सकती है। हालांकि सूरजमुखी तेल की उपलब्धता में कमी को सोयाबीन और सरसों के तेल की उच्च घरेलू उपलब्धता से पूरा किया जा सकता है। सी ने बताया कि 9 मार्च को इंडोनेशियाई सरकार द्वारा घरेलू बिक्री की सीमा को 20% से बढ़ाकर 30% करने की घोषणा से इंडोनेशियाई निर्यात की मात्रा में और कमी आएगी और वैश्विक निर्यात आपूर्ति में कमी आएगी। बयान में कहा गया है कि इन दो कारकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में उच्च अस्थिरता पैदा हुई है। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को पाम तेल के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। कच्चा सोयाबीन तेल मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है, जबकि कच्चा सूरजमुखी तेल यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।